Hello everyone, day 23, मैं भूल जाती हूँ 23. सो आज हम लोग 100 डेज चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी क्या है कैरेक्टर्स का डे 23 चल रहा है और अभी फ़िलहाल हम लोग प्रिंस बना रहे हैं है ना. प्रिंसेसेस तो बहुत बना ली, 20 डेज तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेसेस बनाई हैं, तो अब मैं प्रिंस बना रही हूँ. प्रिंस. तो परसों मैंने बनाया था अलादीन, कल मैंने बनाया था प्रिंस चार्मिंग हेनरी, मेरी सिंड्रेला का प्रिंस. आज मैं बना रही हूँ कौन सा प्रिंस, हमारे स्नो वाइट के प्रिंस, मिस्टर प्रिंस फ्लोरियन, फूलों वाला प्रिंस, गुलाबों के फूल वाला प्रिंस. तो आज मैंने स्केच सच्ची में उसको रिकॉर्ड किया है, आज मैंने स्केच जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है ना. मैंने काफ़ी दिनों से मैंने स्केचिंग रिकॉर्ड नहीं की थी और आज मेरा स्टैंड भी आ गया था. आपने मेरी वीडियो देखी, अब मेरी अनफोल्डिंग अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी. मैं कुछ भी गलत बोलती रहती हूँ ना, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो क्या नाम है उसका, जो आज मैंने हमारा आर्म व्हाट इज दैट ओवर हेड स्टैंड जो मैंने ओपन किया है उसको देखना, मज़ेदार वीडियो है, अच्छी है. और स्टैंड और रिंग लाइट मेरी आ गई थी, रिंग लाइट का वैसे मैं यूज़ नहीं किया इसके लिए, लेकिन मेरा ओवरहेड स्टैंड है वो काफ़ी काम आता है, बड़ा अच्छा है यार, ऊपर से आता है और उसको रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होती है उससे, है ना. सो नाइस. अभी तो क्या चल रहा है, स्केचिंग चल रही है, स्केचिंग. ये प्रिंस फ्लोरियन की ना ड्रेस बहुत अच्छी है, है ना. प्रिंस की ड्रेस, हर एक प्रिंस की ड्रेस इन्होंने बहुत ही स्पेशल बनाई हुई है. लड़कियों को क्या है ना, गाउन्स पहनती हैं, शाइनी गाउन्स एंड ऑल, लड़कों के ड्रेस जो है उनको बहुत अच्छा सा वो केप पहनानी पड़ती है, ये सब वो सब, मतलब ड्रेसेस, लड़कों की ड्रेस भी बहुत अच्छी होती है ना, सही होती है, कितनी खूबसूरत ड्रेस होती है लड़कियों की और लड़कों की ड्रेस भी. हमारे हर एक प्रिंस जितने भी इन्होंने ड्रॉ किए हैं, मतलब डिज्नी के प्रिंस हैं, हर एक प्रिंस में अलग से कुछ ख़ास बात है, जैसे किसी की ड्रेस कैसी है, किसी की ड्रेस कैसी है. कल जो प्रिंस हम लोगों ने हेनरी बनाए थे, सिंड्रेला के प्रिंस, वो प्रिंस चार्मिंग थे, बहुत क्यूट से शांत टाइप के प्रिंस थे. ये प्रिंस फ्लोरियन है, ये थोड़े से फूलों वाले प्रिंस, मतलब ये थोड़ा मेरे ख्याल में फ्लटिश होंगे, है ना. इसको मैंने पेन से कर दिया, मैंने इसको कवर, व्हाट इज दैट आउटलाइन. अब क्या चल रहा है, अब मैं इसकी केप का कलर रेड है, इसकी ड्रेस का कलर, ड्रेस को कलर करना है ना भाई, है ना. ड्रेस को कलर करने के लिए आउटलाइनिंग करना ज़रूरी होता है. तो इसके पास एक कैप है, जिस व्हाट इज दैट फर वाली कैप है, वाइट कलर के फर वाली कैप है उसके पास. एंड इसके पास साइड पर एक क्या बोलते हैं उसको, खंजर को क्या बोलते हैं, एक नाइफ सी है, ड्रैगर जिसको बोलते हैं, ड्रैगर इंग्लिश में ड्रैगर बोलते हैं उसको, ड्रैगर है. रेड कलर की केप पहनी है इसने, मेरे ख्याल में ये एक फाइटर टाइप है ना. एंड इसकी ड्रेस ब्लू कलर की ड्रेस है इसकी, रेड कलर की केप है, प्यारी ड्रेस है इसकी, ब्राउन कलर के हेयर्स हैं इसके. सो ये ब्राउन कलर के शूज़ है, इसके शूज़ कितने फैंसी है ना, बूट्स है, शूज़ नहीं कह सकते हम लोग इसको, बूट्स कह सकते हैं, इसकी बूट ब्यूटिफुल बूट्स. सो ब्लू कलर की ड्रेस, रॉयल ब्लू कलर की जीन्स. मैंने ब्लू कलर की ड्रेस में इसको थोड़ा सा अलग अलग कलर करने की कोशिश की है. एंड हमारा प्रिंस फ्लोरियन इज़ वेरी हैंडसम, पिंक कलर करा मैंने इसको, पिंक कलर किया है. एंड हमारी स्नो वाइट का प्रिंस है ये, आपको शायद पता नहीं, बता दिया आपको, हमारी स्नो वाइट का प्रिंस है ये. और फ्लोरियन था तो इसलिए मैंने सोचा साइड पे जो जगह खाली बच रही है, तो फिर मैंने इसको रेड कलर दे दिया. वो थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड देने की कोशिश की है मैंने इसको, ब्लैक बैकग्राउंड, लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड हो गया है. मेरे को वाइट बैकग्राउंड अच्छे नहीं लगते आजकल, मैं करना है तो पूरा व्हाट इज दैट बाय क्या बोलते हैं इसको, मतलब हमारी जो वाटर कलर पेंटिंग है वो पूरा का पूरा पेज जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना. सो मेरे रेड कलर के फ्लावर्स, मैंने जानबूझ के मैंने रेड रेड फ्लावर बना दिए हैं, है ना. प्रिंस फ्लोरियन के पास गुलाब है,
बड़ी सारी पिक्चर देखी उसने, एक में गुलाबी पकड़ा हुआ था, तो उसका नाम भी आ गया हमारी कैलीग्राफी ट्रिक ब्रश के साथ। तो प्रिंस फ्लोरियन, फ्लोरियन ब्यूटीफुल है ना। ब्यूटीफुल। एंड आज डे कौन सा है? डे है 23। वाओ, वो यार 23 दिन हो गए ना। मुझे ना ये डायरी ख़त्म करनी हो। डायरी में अभी भी ना बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं, मतलब थोड़े से पेजेस लगते हैं, लेकिन देखने में इसको रोज़ का एक ड्रॉ करना इज़ लाइक वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मतलब वेट करना पड़ रहा है मेरे को कि कब ख़त्म करूँगी इसको मैं, कब ख़त्म करूँगी, कब ख़त्म करूँगी। 100 डेज चैलेंज, यार मैं बोर हो गई हूँ अब ये सब कर करके। सच्ची बोलूँ मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं थक गई। और ये देखना मैंने फेस को क्या कर दिया, इसको मुझे बड़ी मुश्किल से इसको ठीक करना पड़ा। एक बारी स्नो वो क्या ना था, एल्सा के साथ भी मेरे साथ ऐसा हो गया था ना कि उसका फेस जो है वो ख़राब हो गया था। अब देखना इसकी फेस के साथ क्या किया, मुझे इसको कलर करना पड़ा, फिर इसको मुझे वाइट कलर से इसको ठीक करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ठीक किया मैंने इसका फेस, अब ठीक लग रहा है ना। इसको मैंने 2-3 लेयर करनी पड़ती हैं फिर वाइट कलर की, है ना। तो अब हो गया ना, इसका फेस बन गया, अब फेस ठीक लग रहा है ना। मैंने इसको पता है पेन को क्लीन करने के लिए मैंने 2-3 लेयर रेड कलर के से बहुत मुश्किल से इसको ठीक किया। तो अभी काफ़ी हैंडसम प्रिंस लग रहे हैं हमारे, है ना, हैंडसम लग रहे हैं ना। तो अभी मैं लास्ट में एक स्नो वाइट के साथ इसका मर्ज कोलाज बनाऊंगी, तो देखना दोनों के दोनों कितने क्यूट लगेंगे। स्नो वाइट की जो पिक्चर है ना, जो पूरी वाली पोर्ट्रेट, वो रखती हूँ इसके साथ, फिर देखो इसका इन दोनों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ, दोनों के दोनों क्यूट, हमारी क्यूट कपल स्नो वाइट, हमारा स्नो वाइट, अरे स्नो वाइट, अरे स्नो वाइट, अरे क्यूट है हमारा स्नो वाइट, अरे स्नो वाइट का प्रिंस है फ्लोरियन। तो अभी क्या करना है आपको, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, मेहनत की है, शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो, कैसा लगा कर दो ना यार, कुछ नहीं होता, कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या बनाना चाहिए, थोड़ा सजेशन दे दिया करा करो, कर दिया करो ना सजेशन, है ना। तो अभी क्या करना है, लाइक शेयर तो कर ही दिया, कर दिया, चलो ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं डे 23 है और हमारे फ्लोरियन है, तो अभी लास्ट में आपको मैं बताती हूँ कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी द कंपैरिजन, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर।